हम लोग को प्रचार करने में भी पावर डिपार्टमेंट सर 22 पे ये क्या बन पाएगा हिमाचल प्रदेश और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लफारादा क्षेत्र के जो पावर इलेक्ट्रिकल डिवीजन ऑफिस पे और हमारे साथ आज मौजूद है माननीय एजुकेटिव पावर डिवीजन के लोबा गदे सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे बीच आए सर। तो सर सबसे पहले सर हमारे जो सवाल है सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काफी प्रॉब्लम है, आए दिन दिखाई देते हैं कि मेंटेनेंस हो रहे हैं, रात को जो बत्ती गुल जाती है सर, इस पे सर आप एजुकेटिव होने के नाते सर आपके इस पे क्या कहना है सर? आई एम वेरी मच वेलकम टू यू ऑल्सो। ऐसा है यहाँ में पावर का मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बासर जो लेपारदा डिस्ट्रिक्ट है रिसीविंग एंड है, हम लोग का मेन पावर हाउस आलो में येगो में 132/33 सब स्टेशन आलो में है। इसमें आलो से हमारा यहाँ में गोरी सब स्टेशन में हम लोग 33 स्टैंडर्ड में पावर ड्रॉ करता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि 90% ऑफ द ट्रांसमिशन लेंथ कम्स अंडर आलो डिवीजन। तो क्या है कि आलो डिवीजन दो बासर लेपारदा डिस्ट्रिक्ट में लाइट मिलता है ना नहीं मिलता है उसका वो लोग मायने नहीं रखते हैं। बींग ए रिसीविंग एंड हम लोग रात हो दिन हो बारिश हो धूप हो उसका कोई फिक्र नहीं है, दौड़ते रहना पड़ता है। अभी ऑब्स्टेकल मेन ऑब्स्टेकल ये है कि हाईवे कटिंग चल रहा है, वो लोग क्या करता है कभी कभी ये पूछे तो के एरिया में ब्लास्टिंग कर देता है, ब्लास्टिंग करने से मेरा सारा पावर लाइन को डैमेज कर देता है। तो हम लोग उसको रिपेयरिंग करने में दिन भर भी लग जाता है, कभी कभी रात का 8-9 बजे तक भी काम करना पड़ता है। हम लोग का यहाँ में जो लेपारदा डिस्ट्रिक्ट का आर्मी लोग इतना हम लोग करने के बावजूद भी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सिर्फ पूछता है कि लाइट क्या कहाँ गया कहाँ चला गया। और हम यही माध्यम से हमारा अलॉन्ग ये काउंटर पार्ट से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी लाइट चला जाता है तो हम लोग यहाँ से जब भी फोन करने से कम फोन को रेस्पॉन्ड करिए, ये लाइट इस तरफ से गया बोलकर नहीं बताते। हम लोग यहाँ से जाकर ये गो पावर हाउस को पूछ के दीपक कहाँ से निकल रहे उधर से पता चल कर फिर वापिस आकर लाइन को आंगू बागरे निंगमोई पूछी दो के एरिया में लाइट ढूंढना पड़ता है। तब तक हम लोग को ये आलोंग काउंटर पार्ट से हम लोग को मैंने आज तक मैंने अच्छा से मदद नहीं मिला है। तो हम लोग इसलिए मतलब इतना तकलीफ से दिन रात मैंने एक कथा करके काम करना पड़ता है। तो हम ये अपने ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का आलो काउंटर पार्ट को भी यही रिक्वेस्ट है कि एज लॉन्ग एज मैंने हम लोग आप लोग से जब तक पावर ड्रॉ करता है आप लोग भी मदद करना चाहिए। और इसी माध्यम से हम अपना ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्पेशली निंगमोई आंगू पुसी दोके और ये बागड़ एरिया का जनताओं से भी यही अनुरोध है कि आप लोग जानबूझ कर बम्बू गिरा कर हम लोग का लाइन को मैंने डैमेज कर देता है। और कोई कोई तो बुलडोजर लेके पोकलाइन लेके भी पोल को उड़ा दिया रात का 11 बजे। इसमें हम लोग FIR करके भी देखा है ये जो है जुरिस्डिक्शन आलो में गिरता है, जहाँ में डैमेज होता है आलो में आता है। तो हम लोग यहाँ में बासर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने से भी आलो काउंटर पार्ट लोग अच्छा से रेस्पॉन्ड नहीं लेता है। इसलिए यही अनुरोध है कि आप लोग भी सिविलाइज सिटीजन के तौर पर हम लोग को दूसरा स्टेट का कोना कोना का आदमी लोग मानता है कि गालो बेल तो सिविलाइज है, आदमी लोग पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होता है बोलता है, लेकिन हम कहता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी जानबूझ कर लाइन को डैमेज कर देता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट योर्स ओनली, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी को ये बसाई रखने में आप लोग भी साथ दो और हम लोग भी साथ देगा। इसलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट यही है और ये हम अपना लेपारदा का ये जनताओं से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये लाइट कहाँ से गया है कहाँ से नहीं गया है उसको ये मत करिए, लेकिन लाइट जब खराब होता है तो कहाँ से गया होगा बोलकर पूरा पेशेंस रखिए। डायरेक्ट पावर हाउस में फोन करके मेरा स्टाफ को तुम लोग यहाँ में क्या करता है सरकारी लोग तुमको किस लिए पाल कर रखा है ऐसे गाली नहीं देने से अच्छा है, मैं ये आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ। और रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन का बारे में हम लोग जनता लोग से यही माध्यम से मैं रिक्वेस्ट है कि
आप लोग का घर में बिल बना के पहुँचा देने से आप लोग ये गाली मत दीजिए कि तुम लोग खुशी मुर्जी से बढ़ा के हम लोग से पैसा कलेक्ट करते हैं, ऐसा गाली मत दीजिए। क्योंकि वो जब भी अगर एक बिल में बिल उतारने के बाद में हम लोग 25 पैसा का भी मिसयूज नहीं करने का यूज़ करने का राइट नहीं है, राइट नहीं बनता है। वो तो हम लोग गवर्नमेंट ट्रेजरी में डायरेक्ट ये महीना में 3-4 बार ये करके रिमिट कर देता है। इसलिए मतलब उसमें हमारा स्टाफ लोग को भी जिस आदमी ने मीटर लेने के लिए जाता है और मीटर कलेक्शन करने के बाद बिलिंग करते आप लोग को घर घर में पहुँचा देता है, उसको आप लोग गाली मत दीजिए। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और हम बासर का जनता, ये स्पेशली बासर का इंटेलेक्चुअल ग्रुप और ये पब्लिक लीडर और इंक्लूडिंग ऑनरेबल MLA ऑल्सो, हम लोग का यहाँ में ये एक तो मेजर सब स्टेशन बना रहा है 132/33 सब स्टेशन, ये बामे में मेरा ऑफिस का थोड़ा ऊपर में बना रहा है। ये एक लीलो लाइन है, दापोरिजो से यहाँ आएगा और यहाँ से फिर आलो जाएगा। इसलिए ये इसका जो कमीशन ईयर है 2000 ये का था, मार्च का था, 31 मार्च 2020, लेकिन अभी 2021 भी खत्म होने जा रहा है काम। अभी तक मेरा ख्याल से तो 2022 या 23 तक भी नहीं होगा लगता है। इसको मेरा यही माध्यम से रिक्वेस्ट है कि लीडर भी एम्फेसाइज दे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी टाइम टाइम पे विजिट करके उन लोग को अच्छी तरह से मॉनिटर करने से हम लोग का जल्दी ये पावर का ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि सर, अगर वो जो हमारा जो कमीशन अगर जितना जल्दी बन जाए तो यहाँ का जो पावर जो क्राइसिस है, दिक्कत है, काफी आने वाले दिनों में कम हो जाएगी, ये आपका कहना है सर? हाँ श्योर, एब्सोल्युटली। ये इसलिए बोल रहा है कि ये जब हम लोग का ये वंस इट इज कमीशनड, वी आर डेली रनिंग आफ्टर द सर्चिंग ऑफ डैमेज पर्सन राइट फ्रॉम येगो टू बाम ट्राई जंक्शन। एक्चुअली बाम आलो टू ट्राई जंक्शन कम्स अंडर आलो डिविजन। Since they are not helping us, being a receiving end, we'll have to do 100% work there also. इसीलिए एक बार ये अगर कमीशन हो जाएगा, ये जो सब स्टेशन कमीशन हो जाएगा, हम लोग का तो यहाँ से गोरी तो हार्डली 3.5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, इतना 33 KV लाइन मेंटेन करने में तो हम लोग घंटा भर में भी उसको चेक हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आलो से जो बासर बामे तो जो हम लोग डेली ये दौड़ना पड़ रहा है, उसमें हमारा स्टाफ लोग भूखा प्यासा सुबह 6 बजे निकलते हैं, कभी कभी 5 बजे निकलते हैं, वो सब ये जो प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे अभी हमारा बासा लपाराडा जिले में सर, यहाँ पे मैंने देखा है, खुद भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे बिल्डिंग काफी बड़े बड़े बिल्डिंग 2-3 महल काफी बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पावर कंजप्शन अगर देखा जाए तो शायद वहाँ पे सर आपका मैंने क्या देख उसमें देखना है सर, रिएक्शन क्या रहेगा? क्योंकि वहाँ पे सर पॉइंट एक रहता है लेकिन पूरे घर पे उन लोगों ने इलेक्ट्रिफिकेशन किया होता है सर। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकला है, माने इंटेलिजेंटली यू हैव गेट ए पॉइंट। इसमें मेरा कहना है कि जनताओं से भी और बड़े बड़े आदमी लोग से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया लेकिन एक ही नाम में आप कनेक्शन ले लिया, तो आपका टेनेंट लोग बोलता है कि ये मालिक को हम लोग देता है बोलता है, और कोई कोई ये में एक ही सर्विस कनेक्शन से सारा रूम को जुड़ा हुआ है। That is not advisable actually as per the electricity rule. ऐसा किया जाता है कि तब तो आप लोग एक एक हर टेनेंट को अपना अपना कंपार्टमेंट में, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर में कितना आदमी बैठा है, सेकेंड फ्लोर में कितना आदमी बैठा है, उसका सेपरेटली मीटर लगा दीजिए। और नहीं तो हम लोग नीचे में कॉमन में एक लगाएगा तो उसमें टेनेंट लोग का झगड़ा निकलता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है सेपरेट सर्विस कनेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग अपना ये का घर का ये लॉट असेसमेंट को हम लोग ये पास टॉप फ्लोर से लेकर सारा फ्लोर का ये को लॉट असेसमेंट करके आप लोग को बिल बना देना पड़ेगा। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट है कि नियम ये है कि आजकल ये इटानगर में भी देखा गया है, ये कमर्शियल ये रेसिडेंशियल प्लॉट में कमर्शियल प्लॉट में भी कन्वर्ट हो रहा है, उसको भी हम लोग एज पर इटानगर रूल हम लोग भी लागू करेगा। जो ये आपका अलॉटमेंट में तो रेसिडेंशियल प्लॉट बोलता है लेकिन ऊपर में मल्टी स्टोरी बना के उसको कमर्शियल में यूज करते हैं, उसको भी हम लोग कंसिडर करेगा बिलिंग में। इसलिए आप लोग भी ये मेरा रेसिडेंट का कनेक्शन है उसको कैसे करके कमर्शियल में चार्ज करेगा, ऐसे भी बोलने वाला बहुत मिला है। इसलिए आप भी अच्छा से जानकारी है इसका बारे में, हम तो
आपको ही उल्टा थैंक्स दे रहा हूँ क्योंकि आपने ये पॉइंट आउट किया है। और इसी तरह मैं हम आपका ये क्वेश्चन को जवाब देते हुए मेरा ये सबॉर्डिनेट ए और जे लोग को यही एडवाइस है कि आप लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को अच्छा से लॉट असेसमेंट किया जाए और जहाँ में टेनेंट है टेनेंट को आप लोग एक एक टेनेंट का किस तरह से बिलिंग करना है हम आने वाला एक दो महीना में आप लोग को भी थोड़ा ये जजमेंट करेगा सोच रहा हूँ। इसलिए मेरा अपना ऑफिसर लोग को भी यही एडवाइस है कि थ्रू दिस ये चैनल से हम आप लोग को भी बता रहा हूँ अच्छा से अपना ये ड्यूटी को निभाए और ये स्पेशली हम लोग को गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज दिया है कि लॉस को माने मिनिमाइज करना है एज मच एज पॉसिबल एनर्जी लॉस को माइनस करना है। एनर्जी माइनस या लॉस को माइनस करने के लिए प्रॉपर मीटरिंग चाहिए। अभी मॉडर्नाइजेशन में तो ऐसा भी कर रहा है कि हर घर में फ्री पेड मीटर लगेगा और अभी तो कंप्यूटराइज बिलिंग होगा। इसलिए जब हम लोग ये स्टेज अभी आईपीडीएस में भी हम लोग तो आईटी सेक्शन को एम्फेसाइज दे रहा है कि हर घर में मीटर लगाने जा रहा है उसमें भी आप लोग ये नहीं पूछना है कि हमारा घर में ये टेम्पररी कनेक्शन लेगा और एज इट इज रहने दो उसको मौत बोलिए। आप लोग से भी हम यही ये माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे सर ईटानगर में अभी प्रीपेड मीटर जो काफी चल रहा है लेकिन बाजार में बहुत ही ना के बराबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर। हाँ इसको तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ने टेकअप करा है कि आईपीडीएस स्कैन बाजार में वन ऑफ द आईपीडीएस टाउन आईपीडीएस में तो अभी हम लोग तो कंपल्सरी मीटर कर देगा उसमें अभी मीटर ये बिलिंग को भी कंप्यूटराइज बिलिंग होगा और हर घर में हम लोग मीटर लगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सर अभी जाते जाते यहाँ के जो पब्लिक है या कि जनता और यहाँ का जो सोसाइटी है आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव होने के नाते क्या एडवाइस देना चाहोगे सर? और ये भी अच्छा है। मैं हम ये आप लोग से सब एडवाइस है कि जब भी काम करेगा और यहाँ में एक तो आप ऐसे बोला है बोलकर हमने एक तो और ये समस्या हम पेश कर रहा हूँ। यहाँ में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट है हम लोग जहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड करके रखा है ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ में आप अलॉटमेंट देकर ये पोल को शिफ्टिंग करो वो पोल को शिफ्टिंग करो बोलने वाला को आप लोग थोड़ा अवॉइड करने के लिए कोशिश करिए। अदरवाइज हम लोग का अभी नेटवर्क इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जैसे भी नहीं है ये ऐसे लग रहा है कि माने धान खेती में जैसे सीरिया उड़ाने के लिए जो नेट बनाता है एक पॉइंट से हम लोग टनने से सब सीरिया उड़ जाते हैं ऐसे वहाँ पे ये बना के रखा है। इसको तो हम आने वाला दिनों में हम लोग सिर्फ ऑफिसर नहीं है बाद में हमारा बाद में कितना ऑफिसर आएगा उन लोग से भी हम बोल रहा है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। अभी हम लोग आप देखिए टाउन जैसे भी नहीं देख रहा है भाषा जो है टाउन जैसे भी नहीं देख रहा है हम लोग का जहाँ ऑलरेडी 11 KV नेटवर्क था उसका नीचे में अलॉटमेंट देने के वजह से वो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बनाएगा वो तो हम लोग का तार को हटा दो बोलते हैं हटाएगा कहाँ में रास्ता का उस तो हटाने से भी उधर अनादर मालिक है वो मालिक बोलता है कि इसमें मौत हटाओ। तो अभी नेटवर्क को ऐसे बना के रखा है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जैसे नहीं है हम अभी कह रहा है कि सीरिया को उड़ाने का नेट जैसे यहाँ में एक रास्ता से उधर दूसरा रास्ता में क्रॉस दूसरा रास्ता में फिर यहाँ में क्रॉस ऐसे कर कर के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जैसे भी नहीं लग रहा है। इसलिए ये सब चीज के लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पर्टिकुलरली आपका ये डीएलआर सो बोलते हैं आजकल मंडल संडल लोग इसके लोग से हम रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो है अलॉटमेंट देख के नहीं देना चाहिए जहाँ में मेरा ऑलरेडी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर वो इलेक्ट्रिक पोल भी गवर्नमेंट का ही प्रॉपर्टी है। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वाई आर अलोइंग देम टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ये हम तो बहुत नहीं मानते हैं यार मेरा अपना नजरिया से। इसलिए हम बासर में पढ़ाई लिखाई हुआ है बासर में ए में भी 6 साल बैठा है अभी हम एक्शन में बैठा हूँ मेरा पास में 5 गुमटी का भी अलॉटमेंट नहीं है क्योंकि जहाँ में हम अभी पावर ये मेन पावर स्टेशन ये 133/11 KV सब स्टेशन बना के रखा था उसको भी अलॉटमेंट दिया था 500 square meter ऑलरेडी अलॉटेड टू समवन उसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन से लौड़ कर उसमें आई वॉज लक्की एनाफ दैट पवन कुमार सेन IAS ऑफिसर वाज हियर एट ADC बासर तो उसको हम रिक्वेस्ट किया कि सर गवर्नमेंट का एक तो मेजर प्रॉपर्टी हम बासर में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज एयरमार्क फॉर हम लोग का एयरमार्क फॉर 33/11 KV सब स्टेशन बट
किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ है पता नहीं है, वो तो पावर का एलामा ये पोर्सन है, उसको किसी इंडिविजुअल को अलॉटमेंट दे दिया। लेकिन हम यहाँ में बासर में उसको उसके अलावा दूसरा जगह सुइटेबल प्लेस नहीं मिला है, और हम लोग को तो प्राइवेट भी तो देगा नहीं है। दिस वॉज द ओनली पर्सन एयरमार्क फॉर पावर डिपार्टमेंट, उसमें हम बनाना चाहते हैं, आप लोग सर आप सोल्यूशन ढूंढ लेना पड़ेगा बोला। तो पवन कुमार सेंसा ने बोला है कि होगा नो का ये प्रॉब्लम को तो हम सुनाए वे जेन्यून पॉइंट जेन्यून प्रॉब्लम, उसको हम जैसे भी आपको रिटर्न भी करेगा बोल कर उसने वो अलॉटमेंट को कैंसिल करके हमको दिला दिया। इसलिए अभी हम बासर में वो जो हम लोग का ये गोजुम या सीनियर सिटीजन गोजुम चार का घर का पीछे में 33/11 के भी सब स्टेशन देता है, उधर से सब स्टेशन बनाने का यही पर्पज भी है कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी भी तो एकदम इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने से एंड पार्ट जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है उधर से, इसलिए हम लोग उधर में सेंटर बना के उधर से अभी गोड़ी तरफ में बोलो बाम तरफ में बोलो आपका निगम तरफ में बोलो यहाँ में लोअर कॉलोनी नदू तरफ में बोलो उधर से रेडियली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको सेंटर किया था। इसलिए हम आने वाला दिनों में भी अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और ऑनरेबल MLA लोग से लीडर लोग से JPM लोग से यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जहाँ में बनाया है उसको जबरदस्ती अलॉटमेंट दे के हम लोग को टॉर्चर करने मत दीजिए। पावर डिपार्टमेंट को तो बहुत टॉर्चर कर रहे हैं इन एवरी कॉर्नर। आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज अरुणाचल प्रदेश, और मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये लफारादा क्षेत्र के पावर पॉइंट के सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जगह आप अगर कह भी दे तो ये सही रहेगा। आपको मैं बता दूं 132/33 सब स्टेशन पे मैं आज मौजूद हूं यहां पे। अगर ये स्टेशन यहां पे अगर बन जाए सही तरीका से बन जाए तो यहाँ के जो हमारे पावर डिपार्टमेंट है उसके लोगों को यहाँ से लेके आलो तक जो पावर जो प्रॉब्लम आता है उसे चुनने के लिए उसे ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा समस्या है। क्योंकि आजकल जितने भी डिपार्टमेंट पे आप देखा जाए लेबर की काफ़ी कमियां है, तो यहाँ पे लेबर कम होने के कारण हमारे जो लफारादा क्षेत्र में लाइट अगर नहीं भी आते तो एक सप्ताह या 5 दिन के करीब करीब वक्त लग जाता है। तो मैं अब सब स्टेशन पे यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं आपको बता दूँ ये सब स्टेशन का जो है निर्माण है आपको 2020 को ख़त्म हो जाने चाहिए थी, मगर यहाँ पे कोविड के कुछ बहाना को लेते हुए या वर्षा के और साथ ही साथ यहाँ पे जो मटेरियल है उसके कम होने के वजह से इसको 2022 तक इसे बनाने के लिए यहाँ पे कह के और दिया रखे है। तो इस पे सर आप बताएं कि 2022 तक ये क्या बन पाएगा? जी सर, जुलाई 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। आप ये कंस्ट्रक्शन एजेंसी है यहाँ के? तो आप कहाँ से है सर? मैं तो यूपी से हूँ। यूपी ने आपकी जो कंपनी? हमारी कंपनी है टाटा, टाटा कंपनी से। अभी आप बता दीजिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ आप लोगों ने बना लिया? यहाँ पे सर कंट्रोल रूम हमारा मतलब 80% रेडी हो गया है, टावर काम हो चुका है और इक्विपमेंट हो चुका है, ट्रांसफार्मर फाउंडेशन फायरवॉल हो चुका है, वाटर टैंक हो चुका है, रोड और केबल ट्रेंच अभी बचा हुआ है और कमीशनिंग बची हुई है। तो इससे पहले सर जो डिले सर क्यों हुआ सर काम में? सर डिले होने का कारण है कि एक तो 2020 में होना था वो कोविड के चक्कर में कोई लेबर नहीं आ पाई थी, और फिर ILP की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ था कि इनका ILP नहीं बन पा रहा था उस टाइम पे, इसलिए लेबर एंट्री नहीं हो पा रही थी। और दूसरा फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ पे इशू होता है बारिश का भी सर, तो बारिश की भी वजह से थोड़ा मटेरियल की भी इशू हो जाता है बारिश में, रोड खराब हो जाता है और क्रेशर में भी अगर ब्रेक डाउन हो गया तो फिर मटेरियल नहीं मिल पाता था, इसकी वजह से थोड़ा ये हुआ। लेकिन अभी जो 4-6 महीने अब की बारिश हुई उसमें हम लोग कंटिन्यू काम किए हैं, कोई भी बारिश में हम डिले नहीं किए हैं, लेबर भी हमारी यहीं पे रही हुई है बारिश में भी, तो इसलिए हम अभी तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जैसे कि सर आपने बारिश को लेकर जो बात किया है सर, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो क्षेत्र में अरुणाचल में बारिश इस बार शायद बहुत ही कमी हुआ है सर। हाँ सर, बारिश कमी हुआ है लेकिन तभी तो हम लोग अभी इस बार काम कर पाए हैं सर। हर बार क्या होता था कि रोड पूरा कट जाता था, खराब हो जाता था, इस बार हम लोग काम मतलब कर पाए हैं, कम तो बारिश हुई है इस वजह से। आपकी जो काम है आपका 2019 से आपका शुरुआत हुआ है काम? जी सर। तो 2019 से लेके आज तक सर हमारे जो जिला प्रशासन की ओर से या फिर जो मॉनिटरिंग टीम है सर कितनी बार आए आपके यहाँ? नहीं, मॉनिटरिंग के लिए तो सर आते रहते हैं रेगुलर, ऐसा नहीं है, रेगुलर आते हैं
लेकिन सर उसमें भी है रेगुलर आते हैं तो वही कमी हो जाती है कि क्रेशर खराब है तो मटेरियल नहीं मिल पाता है, यहाँ पे एक ही दो क्रेशर है तो इस वजह से सर वो लोग भी मतलब प्रेशर तो डालते हैं, लेकिन जब हमें असुविधा हो जाती है तो फिर हम लोग भी मजबूर होते हैं, नहीं तो हम काम के लिए तो हम लोग पूरा रेगुलर ही करते हैं। तो आपका कहना है 2022 तक जो है 2022 जुलाई तक आपके पूरा बंच के तैयार हो जाएंगे और ये आप जो है कि हमारे जो पावर डिपार्टमेंट को है आप इसे हैंडिंग एंड टेकिंग आपके हो जाएंगे, ये आपका पूरा एश्योरेंस। हमारा सब स्टेशन जो है 2022 जुलाई तक कंप्लीट मतलब चार्जिंग हो जाएगा। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स है दर्शकों आपने सुना ये जो हमारे कंपनी वाले ने कहा है 2022 जुलाई तक इसे सब स्टेशन है इसे कंप्लीट करके वो हैंडिंग एंड टेकिंग यहाँ के पावर डिपार्टमेंट को कर दिया जाएगा। तो ये कहना और मैं बता दूं अगर ये सब स्टेशन अगर बन जाए तो यहाँ के लोगों को जो बिजली का जो राहत है आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए जय अरुणाचल जय भारत जय लेपा राधा।